और मुझे उनसे इश्क हो गया वहीं पर। और अब ये क्या हुआ, मैं तो बड़ी रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाली और पुरानी दिल्ली वाली मुसलमान लड़की हूँ, और मुझे करण से कैसे प्यार हो सकता है, अब क्या होगा। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने कई कई बार मुझे डराने की कोशिश करी कि माहौल बहुत ख़राब है, ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम कहीं और चली जाओ, हमारे रिश्तेदार पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, तो यू नो यू कैन नॉट मेक इट वर्क हियर, यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। उसके बाद हमारी बेटी भी पैदा हुई, कायरा इनका नाम है। तो अब सब ने बोला, अम्मा बा जो मुझे पहले डरते थे तो कहते थे कि तुम्हें तब पता चलेगा कि हमारी फिक्रों का जो रूट है वो ये है कि हम माँ बाप हैं, हमें अपना अपनी ज़िंदगी हम जी चुके, पर तुम्हारे लिए हम सोचते हैं तुम चली जाओ। और फिर जब मैं माँ बनी तो मैंने सोचा अब तो मुझे भी डरना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द क्रोनोलॉजी, राइट। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर अगर नहीं भी डरती तो अब मेरे सामने मेरी बच्ची है और मैं उसके लिए डरूं कैसे सब लोग। तो PhD तो मैं बहुत दिनों से बंक कर रही हूँ, वो मेरे प्रोफेसर साहब को पता नहीं था, जो आज उन्हें पता चल गया होगा, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अबाउट दैट। मैं यहाँ पर किसी की खिलाफत करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर कैब के बारे में बोलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर बस अपनी थोड़ी सी बात, अपनी कहानी शेयर करने के लिए आई हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट से जब 8-10 साल पहले मैंने पढ़ाई पूरी करी तो मैं दिल्ली आई, और तब यहाँ पर निर्भया के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का माहौल था। तो मैंने अम्मी अबू से कहा कि हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, आपने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि मैं जो चाहे करूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, अपना करियर, मैं जिससे चाहे शादी करूँ। इतनी फ्रीडम के बावजूद, हिंदुस्तान के कैपिटल में रहने के बावजूद, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो हमें डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई बुरा हादसा ना हो जाए। तो उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि हम जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्लेम करते हैं, तो ये कैसी आज़ादी है कि मैं अपने घर में ही महफूज नहीं हूँ। और धीरे धीरे करके ये बातें सिर्फ मेरे लड़की या औरत होने के से ज़्यादा मेरी आइडेंटिटी, के ये समाज हमें इतनी सारी आइडेंटिटीज़ में जो बांध कर रख लेता है, उसमें मैं फंसने लगी थी। तो मुझे हर बार पूरा एजुकेशन सिस्टम, अपनी ये सो कॉल्ड एम्पावरमेंट, यू नो आई एम एन एम्पावर्ड वुमन ऑफ द 21st century, ये सारी बातें बहुत खोखली लगने लगी। तभी मैं अपने भाई के साथ एक बेघरों को रिहैबिलिटेट करने की एक उनकी मुहिम थी, जिस पर मैं उनके साथ काम करने लगी, और सड़क पर मेरी मुलाकात हुई करण से, और मुझे उनसे इश्क हो गया वहीं पर। और अब ये क्या हुआ, मैं तो बड़ी रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाली और पुरानी दिल्ली वाली मुसलमान लड़की हूँ, और मुझे करण से कैसे प्यार हो सकता है, अब क्या होगा। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने कई कई बार मुझे डराने की कोशिश करी कि माहौल बहुत ख़राब है, ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम कहीं और चली जाओ, हमारे रिश्तेदार पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, तो यू नो यू कैन नॉट मेक इट वर्क हियर, यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। उसके बाद हमारी बेटी भी पैदा हुई, कायरा इनका नाम है। तो अब सब ने बोला, अम्मा बा जो मुझे पहले डरते थे तो कहते थे कि तुम्हें तब पता चलेगा कि हमारी फिक्रों का जो रूट है वो ये है कि हम माँ बाप हैं, हमें अपना अपनी ज़िंदगी हम जी चुके, पर तुम्हारे लिए हम सोचते हैं तुम चली जाओ। और फिर जब मैं माँ बनी तो मैंने सोचा अब तो मुझे भी डरना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द क्रोनोलॉजी, राइट। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर अगर नहीं भी डरती तो अब मेरे सामने मेरी बच्ची है और मैं उसके लिए डरूं। पर फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, ये कौन सा तरीका हुआ जीने का, डर के तो नहीं जीना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का डर हो, डर के तो नहीं जीना है। ये जो पूरी राजनीति है, ये दिस इज़ अराउंड फियर ऑफ यू नो सो मेनी थिंग्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन अस। सो व्हेन शी ग्रोज अप एंड
आई एम गोइंग टू टेल हर कैसे जीना है मोहब्बत से. हम यहाँ पर किसी की खिलाफत करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करने, मोहब्बत की बात करने आए हैं और यही सल्यूशन है. आप लोग आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ किसी के खिलाफ खड़े हैं या एक दूसरे से मोहब्बत में खड़े हैं, इस सवाल का जवाब आप अपने अंदर ढूंढें. और इसलिए हम लोग यहाँ हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे करण मिले, कायरा मिली, और मेरे अम्मी अबू ने मुझे ऐसी तरबियत दी कि मैं आज इस तरह से आप लोगों के सामने अपने दिल की बात रख सकूं. ये कहानी जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी वो ये थी कि एक बार एक जंगल में आग लग गई और सारे जानवर इधर उधर डर कर भागने लगे, तो एक छोटी सी चिड़िया एक पास की नदी से अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदे समेट कर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी. तो सारे जानवर सब उस पर बड़े हंसे, कहने लगे ये क्या कर रही हो तुम चिड़िया, तुम्हारे ये करने से आग बुझने थोड़ी ना वाली है. तो उस चिड़िया ने मुस्कुरा कर उन सारे जानवरों से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी ये करने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा खड़े रहकर तमाशा देखने वालों में होगा. हम लोग ये जंग मोहब्बत से जीतने वाले हैं. हम उनकी आंखों में आग डालकर गुस्सा नहीं करेंगे. जब आप गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. हम मुस्कुरा कर उनसे कहेंगे नहीं हम तो नहीं डरने वाले भाई साहब, जो करना है कर लो, कहीं भी हमें डालना है डाल दो. वी आर हैप्पी, वी आर गोइंग टू फाइट दिस विद लव. दिस इज माई ओनली मैसेज टू ऑल ऑफ यू. अब आप ही लोग बताइए, क्या मुझे या मेरे बच्चे को, मेरे शौहर को डरने की जरूरत है? जवाब आपके सामने है. तो एक नया नारा लगाएं, जब भी कोई आपसे पूछे कैसे जियोगे इस मुल्क में, कैसे जियोगे इस पोल्यूशन वाली दुनिया में, तो आप जवाब देंगे मोहब्बत से. कैसे जिएंगे? मोहब्बत से. कैसे जिएंगे? अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.